हेलो गाइस, आज हम थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि गाइस आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से जाही हवास, जो कि इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने बड़ी देर तक मम्मी के ऊपर झुककर उसे देखा और ये टिप्पणी की, ये कमेंट किया कि द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ कार्टर। कार्टर के वजह से मम्मी की स्थिति, मम्मी की अवस्था बहुत ख़राब थी। सो गाइज, मम्मी कार्टर की वजह से बहुत ही ख़राब अवस्था में थी। तो कार्टर कौन था? कार्टर, होवार्ड कार्टर, दैट इज़ बाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टू टट्स टोम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। तो कार्टर, जिसका पूरा नाम हॉवर्ड कार्टर था, वह एक ब्रिटिश पुरातत्व विज्ञानी था जिसने वर्षों की व्यर्थ खोज के बाद 1922 ईस्वी में किंग टट की टोम को खोजा था। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैनसैक्ड इन एंटिक्विटी बट सरप्राइजिंगली कंप्लीट। और इसके कंटेंट, किसके, किंग टट की मम्मी के जो कंटेंट थे, जो सामान था, यद्यपि वो हेस्टली रैनसैक्ड इन एंटिक्विटी, इसका मतलब होता है हेस्टली लूटेड लॉन्ग अगो, कि पहले ही लुटेरों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा कुछ सामान इसका लूट लिया गया था जल्दबाजी में, लेकिन फिर भी हैरानी की बात थी कि ये काफ़ी पूरा था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लीजेंट। और ये आज तक की मिली ममियों में से सबसे अधिक ज़्यादा खजाने वाली मम्मी थी। ऐसी मम्मी थी जिसके जिसके पास रॉयल कलेक्शन थी, रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन थी, मतलब उसके उसके पास बहुत अधिक गहने और धन दौलत के साथ उसे दबाया गया था। और इस वजह से वो फैरों की लीजेंड में, लीजेंड का मतलब होता है दंत कथाएं, फैरों की दंत कथाओं में, दंत कथाओं का भाग बन गई थी। उसकी जो दंत दौलत थी वो लीजेंड लीजेंड बन गई थी। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीट टू ग्रंटी रेजरेक्शन कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है प्राचीन कलाकृतियां, और रेजरेक्शन का मतलब है कमिंग बैक टू लाइफ और कमिंग बैक इन टू प्रैक्टिस, तो दोबारा से जीवित हो जाना, वो रेजरेक्शन है, पुनर्जीवन जिसको कहा गया। तो आगे, उसके स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, हैरान कर देने वाली प्राचीन कलाकृतियाँ जो कि सोने की बनी हुई थी, उनकी इटर्नल ब्रिलियंस, उनकी कभी भी ख़त्म ना होने वाली चमक, इस बात की गारंटी थी कि इस राजा का अवश्य ही पुनर्जन्म होगा। और ये इस राजा की, किंग टट की खोज के इसमें भी सेंसेशन फैलाने वाली बात थी और अभी भी लोगों का अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने वाली थी। लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडर गारमेंट्स, केसेस फॉर फूड एंड वाइन। यही नहीं, किंग टट को
प्रतिदिन में जरूरत आने वाली चीज़ों के साथ भी दबाया गया था, जो कि उसे आफ्टर लाइफ, जो कि उसे अगले जन्म में काम आने वाली थी। और उनका उदाहरण दिया गया आगे, बोर्ड गेम्स थी, ब्रॉन्ज रेजर था, ब्रॉन्ज का रेजर है, रेजर था, लिनन अंडरगारमेंट्स थे, लिनन कपड़े के बने हुए अंडरगारमेंट्स थे, और इसके अलावा फूड और वाइन के केसेस थे। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनमें कुछ ऐसे केसेस, मतलब कुछ ऐसे बर्तन इस तरह के जिनमें फूड और वाइन भी रखा गया था। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his three nested coffin. कई महीनों तक सावधानीपूर्वक फैरो के funerary treasure, funerary treasure का मतलब होता है the valuable and precious things that were buried along with King Tut. King Tut के साथ जो बहुमूल्य चीज़ें, बहुमूल्य और कीमती चीज़ें दबाई गई थी, उनको फ्यूनरेरी ट्रेजर कहा गया। तो इस फ्यूनरेरी ट्रेजर का कई महीनों तक ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर ने उसके तीन तहों वाले कॉफिन का इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न्ड विद गारलैंड्स ऑफ बिलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सीनरी, लोटस पीटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेटेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल। जब उसने पहला नेस्ट खोला, पहली तह जब इस कॉफिन की खोली, तो उसने पाया एक श्राउड, एक कफन था जो कि बिलो और ऑलिव के पत्तों के बने हुए हारों से सजा हुआ था। इसके अलावा वाइल्ड सीनरीज थी उसके ऊपर, और लोटस पीटल्स थे, लोटस के पंखुड़ियाँ थीं, और इसके अलावा कॉर्न फ्लावर भी यहाँ पर रखे गए थे, जो कि किंग टट के मार्च और अप्रैल में दफनाने का एक हल्का सा प्रमाण था। फेडेड एविडेंस का मतलब है हल्का प्रमाण होना, बरियल मतलब उसको दफनाया जाना। तो इस तरह से कार्टर ने ये पाया कि शायद उसे मार्च या अप्रैल में बरी किया गया होगा। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, और जब वह आखिरकार मम्मी तक पहुंचा, तो उसे कुछ एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। The ritual recesses had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. रिचुअल रिसेंस, अंतिम संस्कार किसमें जो रिचुअल रिसेंस उसकी बॉडी पर लगाया गया था, वो कठोर होकर उसके कठोर गोल्ड कॉफिन के साथ चिपक गया था। अब हुआ क्या था कि जब उसे दफनाती बार, जब उसे मम्मीफाई करते समय उसे रेसिन लगाया गया था, रेसिन एक प्रकार का एडिसिव की तरह, पदार्थ की तरह एक लेप जो कि उसकी मम्मी के ऊपर लगाया गया था, उस पदार्थ की वजह से अब उसकी मम्मी गोल्ड कॉफिन की सतह से चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और इस वजह से क्या हो रहा था कि ये मम्मी किसी भी तरह से, कितना भी जोर लगाने से ये मम्मी इस कॉफिन से नहीं हिल रही थी। कार्टर रोट लेटर, और कार्टर ने इस बात के बारे में बाद में लिखा, कार्टर ने लिखा काफ़ी कोशिश की उसने, लेकिन मम्मी नहीं हिली, तो उसने बाद में लिखा बट वाज टू बी डन, कि अब क्या किया जा सकता था। ही वॉज थिंकिंग अबाउट द ओशंस बट कैन बी डन, सो द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट के इस दक्षिणी भाग में सूर्य की रोशनी या सूर्य की धूप इस तरह से चमकती है जैसे मानो कोई प्रहार कर रही हो। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रीजन्स, और कार्टर ने इस रीजन को धूप का प्रयोग करके ढीला करने
की कोशिश की। लूजन का मतलब है ढीला करना, धूप में रख कर। उसने सोचा कि शायद ये रीसन पिघल जाएगा धूप की वजह से, क्योंकि सन बहुत ब्राइटली वहाँ पर चमक रहा था। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फारेनहाइट। उसने कई घंटों तक मम्मी को बाहर तेज चमकती हुई धूप में रखा, जिसकी वजह से ये मम्मी 149 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म हो गई। तो इस तरह से धूप में, चमकती धूप में इस मम्मी को उसने पड़े रहने दिया घंटों, और उसे लगा कि शायद वो रेसन लूजन हो जाएगा, थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। नथिंग बल्स्ट, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इतनी देर धूप में रहने के बाद भी नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटीरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बेनिथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। अब उसने बाद में भावुकता को छोड़कर ये लिखा कि इस कठोर हुए मटेरियल को हटाने के लिए उसे छैनी का प्रयोग करना पड़ा। कहाँ पर? बेनिथ द लिम्स, इस मम्मी के अंगों के नीचे और मेन बॉडी के नीचे से इस कठोर हुए मटेरियल को हटाने के लिए उसे छैनी का प्रयोग करना पड़ा। तब जाकर वो राजा के अवशेषों को इस कॉफिन से हटाने में सफल हो पाया। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपने बचाव में कार्टर बहुत कम कह सकता था। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। अब उसने अपने बचाव में क्या कहा कि उसने छैनी का प्रयोग क्यों किया? उसने अपने बचाव में कहा कि यदि वो ऐसा करके उस गोल्ड कॉफिन को नहीं निकालता तो ये ज़्यादा संभव था कि चोर सुरक्षा गार्डों को, सर्कमवेंटेड का अर्थ है उन्हें धोखा दे देते, छुपकर उनसे बचकर निकल जाते और वो इस मम्मी को गोल्ड कॉफिन से निकालकर फेंक देते और उस गोल्ड कॉफिन को ले जाते। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। टट के टाइम राजा महाराजा अत्यधिक धनी थे, एंड दे थॉट, और वो ये सोचते थे और होप्ड, और या तो उन्हें उम्मीद होती थी, क्या उम्मीद होती थी? दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, कि वे अपनी धन दौलत को अपने साथ ले जा सकते थे। फैबुलसली, फैबुलसली वेल्दी का मतलब है एक्सट्रीमली रिच, अत्यधिक धनी होना। और हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, उन्हें ये लगता था, उन्हें ये उम्मीद थी कि वे अपनी उस अंतिम यात्रा में अपने साथ अपनी धन दौलत को ले जा सकते थे। किंग टट वॉज लैबिस्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स, और इसी वजह से किंग टट भी चमकदार चीज़ों से जड़ा हुआ था। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी जिनसे वो जड़ा हुआ था, और वो चीज़ें क्या थी? प्रीसियस कॉलर्स, बहुमूल्य कॉलर, इनलेड नेकलेसेस, अंदर पहने जाने वाले हार एंड ब्रेसलेट्स, बाजूबंद, रिंग्स, अंगूठियाँ, एम्यूलेट्स, सेरेमोनियल एप्रन, और इसके अलावा अंतिम संस्कार में पहनाया जाने वाला एक एप्रन, एक कोट की बांधती, एम्यूलेट्स थे बहुत सारे इस तरह के, जो कि क्या थे? पूरी तरह से गोल्ड के बने हुए थे। इसके अलावा और क्या सामान था? सैंडल्स, इस तरह के सैंडल्स थे, सीज, हाथों और पैरों के लिए कवर थे, पंजों, पैर के पंजों और उंगलियों के लिए जो सीज, सीज का मतलब है कवर, एंड द नाउ आइकनिक इन कॉफिन, और इसके अलावा जो अंदर तीसरी परत थी वो था आइकनिक इनर कॉफिन, अंदर का जो कॉफिन था ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, इस तरह का जो अंदर का कॉफिन था वो, ये सारी चीज़ें ऑल
ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब सभी की सब क्या थी, शुद्ध सोने की बनी हुई थी। ये मास्क है जो उसके चेहरे पर रखा गया था, मास्क, और ये इस तरह का कॉफिन था जो कि मम्मी के आकार का था। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडॉर्मेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड एंड सीबर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट। अब कार्टर के आदमियों को मम्मी के सिर और उसके प्रत्येक ज्वाइंट को, उसके प्रत्येक जोड़ को और मम्मी के सिर को कार्टर के आदमियों को रिमूव करना पड़ा, अलग करना पड़ा। अब ये सारे अडॉर्मेंट्स, ये सारे गहनों को निकालने के लिए उसके शरीर से, क्योंकि वो चिपक गया था, इस वजह से वो सारे गहने उसके शरीर से निकाले नहीं जा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि छेनियों की सहायता से उसके सिर, उसके हर एक मेजर जॉइंट को, उसके हर मुख्य जोड़ को, हर एक अंग के मुख्य जोड़ को उन्होंने अलग कर दिया। बंस दे हैड फिनिश्ड, और जब उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज। जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तो उन्होंने इस मम्मी को रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ सैंड, तो उन्होंने इस मम्मी के सारे टुकड़ों को दोबारा से रीअसेंबल किया, दोबारा से जोड़ा, कहाँ पर, रेत पर रखकर एक लकड़ी के बॉक्स में डाला। पहले वो गोल्ड कॉफिन में था, अब उन्होंने रेत पर रखकर इन सारे जॉइंट्स को, इन सारे जोड़ों को, इन सारे टुकड़ों को आपस में मिला के रखा रेत के ऊपर, और फिर वुडन बॉक्स में डाला, और जो डैमेज हुआ था, जो क्षति हुई थी, उसे पैडिंग से ढक दिया। ये पैडिंग है साइड में लगाई हुई, इस पैडिंग से उसे ढक दिया। द बेड बेयर टट नाउ रेस्ट, और फिर उस मम्मी को उस बेड में रख दिया जहाँ पर वो अभी आराम कर रहा था। अब कुछ क्वेश्चन है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर।